हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चार टाइप की मोमो की रेसिपी। ये है सूप मोमो, ये है स्टीम्ड मोमो, ये है चिली मोमो और ये है मोमो 65। तो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में चार टाइप्स की मोमो की पूरी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक और शेयर करना। तो चलिए पहले हम मोमो की स्टफिंग तैयार करते हैं। तो इसके लिए हमें लगेंगे यहाँ मिक्स वेजिटेबल्स, जिसे मैंने हैंडी चॉपर में चॉप कर लिया है, और इसमें है गाजर, बीन, प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, चिकन कीमा, टमेटो सॉस, सोया सॉस, नमक और ब्लैक पेपर। तो चलिए स्टफिंग बनाने की प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक कढ़ाई लिया है, उस पर मैंने 2 टेबलस्पून की तरह ऑयल डाला है। अब मैं उसमें सारी वेजिटेबल डालूँगी। वेजिटेबल को हम 2-3 मिनट तक सॉटे करेंगे, ऐसे ही खुले में चलाते रहेंगे और इसकी कच्चे पानी को सुखा लेंगे। इसके बाद मैंने इसमें नमक डाला है। नमक डालकर हम इसमें इसे और 2-3 मिनट तक चलाएंगे। उसके बाद हम इसमें चिकन कीमा डाल देंगे। और इसे भी हम ऐसे ही चलाते रहेंगे खुले में और इसे हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे। तो इसमें हम मैंने पानी डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, सोया सॉस, टमेटो सॉस और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। स्टफिंग हमारा तैयार है, अब हम इसे निकाल कर ठंडा कर लेंगे। तो मैंने यहाँ मोमो का सॉफ्ट डो बना लिया है। अब मैं इसमें से एक छोटी सी बॉल निकाल कर मैं आपको मोमो कैसे फोल्ड करते हैं दिखाऊंगी। अब मैं इसे गोल बेलूंगी। बीच में मोटा रहना चाहिए और साइड पतला रहना चाहिए, क्योंकि हम इसे फोल्ड करेंगे तो साइड हमारा बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा। अब मैं इसमें स्टफिंग डाल रही हूँ। बीच में हम जितना हमें लगेंगे हम उतना स्टफिंग डालेंगे। उसके बाद हम एक साइड से पकड़ कर इसे नॉर्मल जैसे साड़ी में प्लीट लगाते हैं वैसे ही हम फोल्ड करना शुरू करेंगे। तो देखिए मैं कर रही हूँ यहाँ ऐसे ही। पूरा जब हो जाएगा तो उसके मुंह को हम ऐसे घुमाकर बंद कर देंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि बिना स्टीमर के हम कैसे घर पे मोमो स्टीम कर सकते हैं। तो ये ऐसा एक होल किया हुआ है राइस कुकर का एक प्लास्टिक बोल है और इसे मैं चढ़ाऊंगी एक कढ़ाई पर। ये कढ़ाई मैंने ऑलरेडी इसमें पानी डालकर चढ़ा दिया है और इसके बीच में एक स्टैंड है जिसके ऊपर मैं इसे रखने वाली हूँ। तो मैंने इसे अच्छी तरीके से रख दिया है और ये मेरी कढ़ाई से साइज़ में छोटी है, तो ये आराम से अट चुका है और मैंने इसमें ढक्कन ढक दिया है। मोमो स्टीम हो चुका है, मैंने इसे प्लेट पर निकाल लिया है। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बॉइल्ड मोमो की रेसिपी। मैंने यहाँ
एक सॉस पैन पर पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। अब मैं उसमें मोमो डालकर अच्छी तरीके से बॉईल करूँगी। जब तक कि ना मोमो अच्छी तरीके से बॉईल होकर ऊपर की तरफ उठ जाए और साइज़ में आगे से बड़ा हो जाए, तभी हमें पता चल जाएगा कि मोमो हमारा पूरी तरीके से बॉईल हो चुका है, तो इसे हम निकाल लेंगे। अब मैं यहाँ इसकी सूप तैयार कर रही हूँ। मैंने एक पैन लिया है, उसमें ऑयल डाला है, ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें वो वेजिटेबल डाल रही हूँ जो मैंने स्टफिंग में डाला था, सेम वेजिटेबल है। इसे हम अच्छी तरीके से 2-3 मिनट तक ऐसे सॉटे करेंगे, जब तक कि ना वेजिटेबल हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। अब मैं इसमें डालूँगी नमक, फिर इसमें पानी डाल दूँगी। पानी डालने के बाद हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरीके से बॉईल करेंगे, जब तक कि ना वेजिटेबल पूरा बॉईल्ड हो चुका होगा, पूरा कुक हो चुका होगा। इसके बाद ही हम इसमें डालेंगे एग वाइट। हमें एक योक नहीं डालना है, हम एक से योक निकाल कर अलग कर लेंगे। एग वाइट को हम आहिस्ते आहिस्ते इसमें डालेंगे और चम्मच से हिलाते रहेंगे, वरना एग वाइट एक जगह जम जाएगा, तो इसे हम चलाते रहेंगे। इसे हम अच्छी तरीके से ऐसे ही चलाएंगे चम्मच की मदद से, ताकि एग वाइट अलग हो जाए, छोटी छोटी इसकी पीसेस हो जाए, एक जगह जमा हुआ ना हो। सूप को हमें ऐसे ही पतला रखना होगा, क्योंकि हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करने वाले हैं तो ये गाढ़ा हो जाएगा। तो मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है और उसे प्लेन पानी पर ऐसे ही मैंने घोल कर डाल दिया है और इसे चलाते रहेंगे। तो सूप हमारा रेडी है। अब मैंने बॉईल किया हुआ मोमो के ऊपर सूप डाल दिया है। अब मैं इसके ऊपर ब्लैक पेपर डालूँगी, डालकर इसे गार्निश कर दूँगी। तो रेडी हो चुका है हमारा सूप मोमो। कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट कर मुझे बताना और इसे ट्राई ज़रूर करना। तो चलिए अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ मोमो 65 की रेसिपी। इसके लिए हमें लगेंगे कड़ी पत्ते, स्टीम किए हुए मोमो, अदरक लहसुन ग्रेट किए हुए, ग्रीन चिली, नमक और ब्लैक पेपर, और हमें लगेंगे टोमेटो सॉस। अब मैंने एक पैन पर तेल ले लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और कड़ी पत्ते। इसे हम अच्छी तरीके से हिलाएंगे। अब इसमें हम सॉस डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसमें हम अब डालेंगे ब्लैक पेपर और नमक। इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे मोमो। मोमो डालकर हम ज़्यादा नहीं 1 मिनट तक इसे ऊपर नीचे हिलाएंगे, क्योंकि ये सॉस जो है इसमें अच्छी तरीके से लग जाए और सॉस को भी हम अच्छी तरीके से सुखाएंगे। इसमें ग्रेवी की तरह सॉस नहीं रहेगी, एकदम सूखा सूखा ये रहेगा। तो मैंने इसे खाली कर लिया है। तो देखिए ये है मोमो 65। ये बहुत स्पाइसी होता है, आप इसे ट्राई ज़रूर करना और हमें कमेंट कर बताना। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिली मोमो की रेसिपी। के लिए हमें लगेंगे यहाँ मोमो स्टीम किए हुए,
टोमेटो सॉस, सोया सॉस, कॉर्नफ्लावर, कैप्सिकम, प्याज, अदरक लहसुन, नमक, हरी मिर्च, ब्लैक पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चिली मोमो की रेसिपी। तो मैंने यहाँ एक पैन चढ़ा दिया है, अब मैं इसमें डालूँगी ऑयल, इसके बाद इसमें मैंने अदरक लहसुन डालूँगी। इसे डालकर मैं इसमें कैप्सिकम डालूँगी, प्याज डालूँगी और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से सॉटे करूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी नमक, ब्लैक पेपर, ग्रीन चिली। इसके डालने के बाद हम इसमें पानी डाल देंगे और पानी में ही हम डालेंगे टोमेटो सॉस, सोया सॉस, इसे डालकर हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और सब्ज़ी को गलने तक हम पकाएंगे। तो सब्ज़ी गल चुका है तो अब इसमें हम कॉर्नफ्लावर की लिक्विड डाल देंगे, जो मैंने कॉर्नफ्लावर और पानी डालकर एक लिक्विड बनाया था। इसे हम अच्छी तरीके से लो फ्लेम पर चलाते रहेंगे वरना कॉर्नफ्लावर बैठ जाएगा नीचे और जल जाएगा। अब ये गाढ़ा हो चुका है, हम इसमें स्टीम किए हुए मोमो डाल देंगे और एक दो मिनट तक हम इसे हिलाएंगे और मोमो में पूरी तरीके से ये सॉस कोट कर देंगे। तो ये रेडी हो चुका है, अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो देखिए चिली मोमो हमारा तैयार हो चुका है। तो कैसा लग रहा है चिली मोमो? सारी मोमो की रेसिपी आप ट्राई ज़रूर करना और हमें कमेंट कर बताना, और हाँ लाइक ज़रूर करना। तो अभी के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।